गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक एमोटिज या डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक से एक कॉन्जेनिटल एमोटिज जिसको होते हैं हाइपोस्फोजिसिस, यानी कॉन्जेनिटल एब्डोमिनल यूरेथ्रा जो ओपनिंग होती है वो वेंट्रल स्पेक होती है अंडर सरफेस ऑफ द पेनिस। ये मोस्ट कॉमनली मेल में चिल्ड्रन में होती है और जो अननेसेसरी टेस्टिस इनग्रोहेंडिया और ऊपर जो यूरिनरी ट्रैक्ट है एनोमलीज है में भी इससे एसोसिएट होते हैं विद हाइपोस्पोडियोसिस। तो लेते हैं हम हाइपोस्पोडियोसिस, ए टर्म हाइपोस्पोडियोसिस रेफर्स टू यूरेथ्रल ओपनिंग इज ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस पेनाइल साफ्ट प्रोक्सिमल एंड द ग्लैंड्स। द मीटस मे बी लोकेटेड एनी वेयर अलोंग द साफ्ट पेनिस फ्रॉम द ग्लैंड्स स्क्रोटम और इवन द पेरिनम। सम बॉयज ऑफ हाइपोस्पोडियोसिस पार्टिकुलर दोज विद प्रोक्सिमल हाइपोस्पोडियोसिस हैव बॉडी इन विच देयर द वेंट पेनाइल कर्वेचर ड्यूरिंग इरेक्शन इंसिडेंट्स। हाइपोस्पोडियोसिस 4 to 1,000 न्यूबॉर्न बॉयज। द रीजन वाई द पेनिस डज नॉट डेवलप प्रॉपरली स्टिल नॉट क्लियर। द डेवलपमेंट ऑफ द पेनिस विलिस्ट द बेबी ग्रोइंग द वॉम पार्टिकुलर पार्टली डेवलप डिपेंडेंट ऑन द मेल सेक्स हार्मोन सच एज टेस्टोस्टेरोन। द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑन द ग्रोइंग पेनिस मे बी ब्लॉक्ड इन सम वे। ऑल्दो इज नॉट जेनेटिक कंडीशन हाइपोस्पोडियोसिस कैन रन विद सम फैमिली प्रेजेंट एट बर्थ कॉन्जेनाइटल। द एक्सेप्ट रीजन ऑफ डिफेक्ट अकर्स नाउ। द डिफेक्ट ऑफ एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग ऑन द डेवलपिंग पेनिस। द डिफेक्ट एंड्रोजन प्रोटेक्शन मे बाय टेस्टिस ऑफ प्लेसेंटा। रिस्क फैक्टर एज एंड वेट। मदर्स वेयर आज एज 35 ईयर्स ओल्डर वी आर कंसिडर अवेज हैड ए हायर रिस्क ऑफ हैविंग बेबी हाइपोस्पोडियोसिस। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वुमेन हाउ यूज रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हेल्प प्रेगनेंसी हाइयर रिस्क ऑफ हैविंग बेबी ऑफ हाइपोस्पोडियोसिस। सर्टन हार्मोन्स वुमेन हाउ इट टुक सर्टन हार्मोन्स जस्ट बिफोर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वर साउंड इज ए हायर रिस्क ऑफ हैविंग बेबी इन हाइपोस्पोडियोसिस। एक्सपोजर टू स्मोकिंग केमिकल्स देर इज सम स्पेकुलेशन अबाउट एसोसिएशन बिटवीन मदर एक्सपोजर पेस्टिसाइड्स एंड हाइपोस्पोडियोसिस। फैमिली हिस्ट्री द कंडीशन मोर कॉमन इन फ्रेंड्स इन फैमिली हिस्ट्री हाइपोस्पोडियोसिस। क्लासिफिकेशन बाय टकेट इन 1996 ही डिवाइडेड इनटू एंटीरियर 50% मिडिल 30% पोस्टीरियर 20% हाइपोस्पोडियोसिस। द एंटीरियर फॉर्म ग्लैंडुलर कोरोनल एंड डिस्टल पेनाइल। द मिडिल मिडसाफ्ट एंड प्रोक्सिमल पेनाइल। द पोस्टीरियर फॉर्म पेनोस्क्रोटल स्क्रोटल एंड पेरिनियल। क्रेनियल हाइपोस्पोडियोसिस या यूरेथ्रा विद इन हेड ऑफ द पेनिस। इसमें यूरेथ्रा जो है हेड ऑफ पेनिस के ऊपर होता है। कोरोनल द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा जस्ट बिलो हेड ऑफ द पेनिस जस्ट नीचे होते हैं हेड ऑफ पेनिस जो यूरेथ्रा ओपनिंग होती है। डायस्टल पेनिंग द ओपनिंग इज द यूरेथ्रा इन द डायस्टल पोर्शन ऑफ द साफ्ट ऑफ पेनिस जैसे कि दिखाया गया है इस टाइप में। ग्रेनुलर में जो है जो यूरेथ्रा ओपनिंग है वो ऊपर की और सब कॉर्नल थोड़ा नीचे डायस्टल थोड़ा और नीचे मिडस्टाफ और नीचे प्रोक्सिमल और नीचे पेनिस्टोल सबकोटल एंड पेरिनियल। मिडस्टाफ्ट द ओपनिंग इज यूरेथ्रा लोकेटेड अलोंग ए साफ्ट ऑफ द पेनिस प्रोक्सिमल पेनाइल। द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द साफ्ट ऑफ पेनिस पेनोस्क्रोटल। द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज लोकेटेड वेयर द पेनिस एंड स्क्रोटम मीट। स्क्रोटम हाइपोस्पोडियोसिस हाइपोस्पोडियोसिस विद द यूरेथ्रा ओपनिंग इन द स्क्रोटम सरफेस। पेरिनियल हाइपोस्पोडियोसिस द यूरेथ्रल मीटस ओपन्स द पेरिनियम नियर एनस एंड स्क्रोटम यूजुअली क्लैप्ड। क्लिनिकल मैनेजमेंट सिम्टम्स माइल्ड हाइपोस्पोडियोसिस यूजुअली डज नॉट सिम्टम स्पेशली न्यूबॉर्न एंड यंग चिल्ड्रन। द कंडीशन मे बी डाउट कर्व ऑफ ड्यूरिंग इरेक्शन इरेक्शन ऑफ कॉमन इन्फेंट बॉय। अदर सिम्टम इंक्लूड एब्नॉर्मल स्पेलिंग द यूरिन हैविंग द सिट डाउन यूरिन फॉर इन द वैक्स लुक्स द हैज फूड। द फर्दर ओपनिंग द टिप ऑफ ग्लैंड द मोर लाइकली कवर्चर ऑफ पेनिस कोल्डी इन प्रेजेंट। डायग्नोस्टिक मेजर पेरिनेटल अल्ट्रासाउंड फिजिकल एग्जामिनेशन न्यूबॉर्न ओपन एग्जामिनेशन द पॉलिस्टिक यूजुअली इनकम्प्लीट। द मिड स्पेस यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड एक्सरे और यूरोग्राम। दिस टेस्ट यूज द एक्सरे प्रोवाइड पिक्चर यूरिन ट्रैक्ट एंड अदर कॉन्जेनिटल एनोमलीज। मेडिकल मैनेजमेंट माइनर केसेस ऑफ हाइपोस्पोडियोसिस इन विच मीटस लोकेटेड अप टुवर्ड द ग्लैंड्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड सर्जिकल रिपेयर सिंपली मैनेज बाय ऑब्जर्वेशंस। एडवांस हार्मोन थेरेपी में क्या होता है प्री सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है टेस्टोस्टेरोन देते हैं क्रीम्स देते हैं एज वेल
एजिस इंजेक्शंस टू प्रमोट पेनाइल ग्रोथ करती है और इम्प्रूवमेंट करती है क्रोडी एंड लिसनिंग ऑक्टिविटी ऑफ हाइपोस्पिडिसिस को। देन लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। इन सभी से नहीं होता तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं, सर्कमसीजन शुड बी अवॉइडेड। इसमें सर्कमसीजन नहीं करते क्योंकि यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वे सही जगह ना होकर डायस्टल पार्ट या मिड पार्ट या कहीं और होती है। बिकॉज ए फॉर ऑप्शन रिपेयर इन डेज ऑफ द हेल्थी 26 मंथ देर ग्रेटर जनरल एनेस्थेसिया 2 to 3 years पेनाइल ग्रोथ नेक्स्ट सेवरल ईयर्स एचआर डोज रिमेंबर सर्जिकल प्रोसीजर पोस्ट ऑपरेटिव एनालिसिस फिजियो अल्ट्रासाउंड। इसमें हाइपोस्पिडिसिस सर्जरी करते हैं। डिफरेंट सर्जरीज क्रेमरल्स हाइपोथिस रिकॉर्ड ग्लैंड में मेरोटोकोमी बोलते हैं जिसको, कोरोना हाइपोथिस किया अगर जो ओपनिंग है कोरोना साइड्स में तो MAGPI इसको बोलते हैं, मिटल एडवांस एंड ग्रेनुलोप्लास्टी प्रोक्सिमल हाइपोथिस विद कोडी कैन बी ट्रीटेड बाई स्किन फ्लैप एडवांस द कोडी प्रेजेंट इज शुड बी एक्सरसाइज कैन बी इज लेंस फ्लैप यूरोथ्रोप्लास्टी परफॉर्म। नेक्स्ट लेते हैं एपिस्पिडिसिस। हाइपोस्पिडिसिस के बाद में एपिस्पिडिसिस क्या होता है, इसमें भी यही होता है सेम, पर इसमें जो ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग जो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस होती है यूरेथ्रा में जो है डिस्प्लेस होता है डोर्सली ड्यू टू एब्डोमिनल डेवलपमेंट ऑफ द इंट्राबलाइकल वॉल एंड अपर वॉल ऑफ यूरेथ्रा। अब एपिस्पिडिसिस कॉन्जेनिटल मैलफंक्शन ओपनिंग द यूरेथ्रा ऑन द डोर्सल ऑफ द पेनिस द बॉयज ऑफ द एपिस्पिडिसिस द यूरेथ्रा जनरली ओपन्स ऑफ द टॉप साइड ऑफ द पेनिस रदर देन टिप हाउएवर इट इज द पॉसिबल यूरेथ्रा कैन ओपन अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ पेनिस द गर्ल्स द ओपनिंग जस्ट यूजली बिटवीन क्लिटोरिस लिबिया बट मे बी बेली एरिया। इंसिडेंस जो एपिस्पिडिसिस अकर्स है वे 1 in 1,17,000 न्यूबॉर्न एंड 1 in 4,84,000 न्यूबॉर्न गर्ल्स कॉज अननोन रिलेटेड टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द पेल्विक बोन फेलियर्स एब्डोमिनल पेल्विक फ्यूजन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस एपिस्पिडिसिस कैन बी एसोसिएटेड विद ब्लड एक्सट्रॉपी एन अनकॉमन बर्थ डिफेक्ट विद ब्लड इनसाइड आउट एंड स्टिक थ्रू द एब्डोमिनल वॉल आल्सो अकर विद अदर डिफेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिस्पिडिसिस बेस्ड ऑन द लोकेटेड इन द मीटर्स ऑफ द पेनिस इट कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्लैंड्स अलॉन्ग द शाफ्ट एंड पेनिस नियर द पिबिक बोन द पोजिशन ऑफ द मीटर्स इम्प्रूवमेंट बिकॉज द पीरियडिक डिग्री विच द ब्लैडर कैन स्टोर यूरिन कंटिन्यूस द क्लोजर मीटर्स ऑफ द बेस द पेनिस द मोर लाइकली ब्लैडर विल बी नॉट ए होल इन यूरिन। सिम्टम मेल्स में एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ द जॉइंट बिटवीन इन द पिबिक बोन्स अबव द टिप ऑफ द पेनिस बैकवर्ड फ्लो ऑफ द किडनी शॉर्ट एंड पेनिस विद एब्डोमिनल कर्वेचर विद इंफेक्शन एब्डोमिनल पिबिक बोन। इन फीमेल्स में एब्डोमिनल क्लिटोरिस लिबिया एब्डोमिनल ओपनिंग विद द फॉर्म ऑफ द ब्लैडर नेक एंड एरिया अबव द नॉर्मल यूरेथ्रा ओपनिंग बैकवर्ड ऑफ द यूरिन किडनी वाइड इन पिबिक बोन यूरिनरी इनकंटिन्यूअस यूरिनरी इंफेक्शन। डायग्नोस्टिक मेजर प्रीनेटल डायग्नोसिस रेयर ब्लड टेस्ट चेक इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स इंट्रावेनस बायोग्राम स्पेशल एक्सरे किडनी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा MRI CT scans depending on the condition pelvic x-ray ultrasound of the urogenital system surgical technique in males the modified central technique in involves partial disembolism of the penis placement of the urethra in more normal position treatment kya karte hain maximum penile length of the function by the correction dorsal band and cordy create functionality of a postmaterially acceptable external genital within a few surgical procedures if possible. If the bladder and bladder neck are also involved, surgical treatment required to establish urinary continuous and the patient's fertility. A second technique in Michael technique involves complete disembolism of the penis into their separate components. Following disembolism, the three components resembling such as treat urethra in the most function of urethra position dorsal corridor in correct subject. Surgical technique in females में करते हैं urethra vagina short near front of the body and clitoris is two parts. The diagnosis at birth two parts of clitoris can be broke together and urethra can be placed to the normal position.